नमस्कार, मैं डॉक्टर भगवाना राम बिश्नोई प्रिंसिपल गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर से बोल रहा हूँ। आज हम LLB फर्स्ट ईयर के लिए जो है बहुत ही ज्यादा रेमेडियल सेक्शन पर चर्चा करेंगे, सेक्शन 73 और 74 पर, आज 73 पर करेंगे। तो बी केयरफुल, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उसका उपचार सेक्शन 73, 74 और 75 में ही है। तो आज 73 लेंगे, पहले कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री भी लेंगे। ध्यान से, रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविधान उल्लंघन के लिए उपचार। काइंड्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो प्रकार से इसके, मतलब वैसे तो इसके पांच प्रकार है, लेकिन पहला पूर्वकालिक भंग, एंटीसिपेटरी ब्रीच। ये कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही हुआ और कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना था, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट को जो है 1 जून को पूरा करना है और 20 मई को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो 1 जून से पहले पहले जाकर के कह दे कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर सकता, इसको कहते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच, पूर्वकालिक भंग। दूसरा है पालन के समय भंग, ब्रीच एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, ब्रीच कर दिया, इसके लिए प्रतिकर मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, डैमेजेज मिलेगी, उसके लिए नहीं, इसके लिए मिलेगा। क्या मिलेगा? सेक्शन 39 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहा गया है कि संविधान भंग होने पर दो प्रकार के उपचार प्रदान किए जाते हैं, दो प्रकार के। क्या? नंबर एक, वह संविधान का अंततः विखंडन, रिसीजन कर सकेगा, नष्ट कर देगा, और उसके लिए जो है वो प्रतिकर मांगेगा। नंबर दो, संविधान भंग के लिए किसी हानि, कोई लॉस या नुकसानी, डैमेजेज के लिए प्रतिकर, कंपनसेशन की मांग कर सकेगा, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को नष्ट कर देगा, या फिर वो क्या करेगा, सेक्शन 39 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कह रहा है, या तो लॉस के लिए या डैमेजेज के लिए, नुकसानी के लिए प्रतिकर की मांग कर सकेगा। क्यों? कि उसने ब्रीच एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब जिस समय कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना था उस समय जो है वो ब्रीच कर दिया, उसने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, तो उसके पास में दो उपचार है, एक तो विखंडन कर दे संविधान का, और दूसरा किसी हानि या नुकसानी या प्रतिकर के लिए दावा कर दे, मांग कर ले। फिर निम्नलिखित भी आवश्यक जानकारी आवश्यक है, मैंने इसको तीसरा पॉइंट बनाया है, पूर्वकालिक भंग, पालन के समय भंग, और तीसरा है उचित पारिश्रमिक का दावा, सूट फॉर क्वांटम मेरिट, जितना काम किया जितना माल सप्लाई किया उतना दे दे भाई, इसको कहते हैं क्वांटम मेरिट, जितना काम उतना दाम के लिए दावा कर सकता है। फिर है संविधान का विनिर्दिष्ट पालन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अर्थात जिस कॉन्ट्रैक्ट को मूल्य के रूप में प्रति कर दिया जा सकता है उसके लिए वो मांग कर सकता है पालन करने के लिए। और पांचवा है अध्यादेश, इंजेक्शन, इंजेक्शन वहां जारी किया जाता है जो मूल्य प्रतिकर के रूप में मायने नहीं रखते, जैसे मान लीजिए एक हीरो है या हीरोइन है जिसने एक फिल्म साइन की है और 3000 करोड़ रुपए डायरेक्टर खर्च कर चुका है, और हीरोइन घर जाके कह देती है मैं तो अब नहीं करूंगी फिल्म, क्यों? तो उसको इंजेक्शन जारी किया जाएगा, ये 75 की बात है। क्यों? कि उसकी हैसियत ही नहीं है 3000 करोड़ रुपए मूल्य चुकाने की, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ नहीं सकती, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करो, इसलिए इंजेक्शन जारी किया जाता है। सेक्शन 73, 74 और 75 का हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। एक विशेष बात यहां पर है, नोटा बेना, डिफरेंस बिटवीन कंपनसेशन एंड डैमेजेज, प्रतिकर और क्षतिपूर्ति में भेद है। प्रतिकर का मतलब है इकोनॉमिक लॉस, आर्थिक हानि होना, और कॉन्ट्रैक्ट में प्रतिकर ही दिलवाया जाता है। क्षतिपूर्ति, डैमेजेज, डैमेजेज में तीन चीज आती है, एक तो इकोनॉमी लॉस आर्थिक, दूसरा शारीरिक, शारीरिक बॉडी, और तीसरा मानसिक मेंटली क्षति हुई है,
तो उसको प्रति क्षतिपूर्ति बोलते हैं, और क्षतिपूर्ति हमेशा ही लाभ टोट में होती है, प्रयोग किया जाता है संविदा संविदा में प्रतिकर डैमेजेज का प्रयोग किया जाता है, कंपनसेशन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन क्षतिपूर्ति जो है वो अपकर्ति विधि में क्षतिपूर्ति का शब्दों का प्रयोग लाभ टोट में किया गया है, जिसमें तीन चीज शामिल होती है, आर्थिक लॉस भी होता है, शारीरिक लॉस भी होता है, मानसिक लॉस भी होता है। तो जो है मेंटली लॉस, बॉडीली लॉस और इकोनॉमी लॉस, ये तीनों दिलवाने का नाम है क्षतिपूर्ति, और प्रतिकर कंपनसेशन जो प्रतिकर है वो दिलवाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में। ध्यान रखने की बात है, क्षतिपूर्ति या प्रतिकर का मूल्यांकन मेजर होता डैमेज, दो सिद्धांत है इसके, पहला है अपरिनिर्धारित नुकसानी अनलिमिटेड डैमेज सेक्शन 73, दूसरा है परिनिर्धारित नुकसानी लिक्विडेट डैमेजेज, आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 73 पर चर्चा करेंगे, 74 पर हम कल करेंगे, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अनलिक्विडेट डैमेजेज, अनिर्धारित पक्षकारों ने कॉन्ट्रैक्ट करते समय पहले ये तय नहीं किया है कि किसको कितना लॉस होगा, कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ तो पहले से तय नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट किया है और कॉन्ट्रैक्ट होती थे सेक्शन 10 के मुताबिक। तो पहला आता है अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो पहला क्या है, सामान्य हानि या वास्तविक हानि के लिए प्रतिकर, एक्चुअल लॉस वास्तविक हानि कोड दिलवाती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो चुका है तो मान लीजिए ए ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट जो है बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि जो है अब बी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो ए को क्या लॉस हुआ, ए ने कहा था 1500 क्विंटल गेहूं पहुंचाने हैं 15 जुलाई तक, कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, भाव तय हो गया, भाव तय हो गया, अब बी 15 जुलाई तक ए को माल सप्लाई नहीं कर पा रहा, एक ने जो है ट्रेड कर रहा है तो उसने सी के आगे कोई और कर रखा था तो उसको लॉस हुआ, और ए ने जो है 16 जुलाई को सी को आगे माल सप्लाई करना था, सी को सप्लाई किया, बी ने ब्रीच कर दिया, तो ए को क्या हानि हुई, एक्चुअल लॉस वास्तविक हानि कोड दिलवाएगी, जो वास्तव में उसको ए को हानि हुई कैसे दिलवाएगी, उस दिन मार्केट वैल्यू खरीद लेगा, इसका मान लीजिए 1500 क्विंटल पर क्विंटल जो है 1600 रुपए होगा, और बाजार से उस दिन जो है इसने खरीद करके ए ने 1700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी, तो 1500 क्विंटल पर जो है 100 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से एक्चुअल लॉस जो हुआ है वो कोड दिलवाएगी, एक्चुअल लॉस पहला। कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेजेज कॉज टू हिम विच नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स थिंग्स फ्रॉम सच ए ब्रिज, कोर्ट वास्तविक हानि और जो लॉस है वही कोर्ट दिलवाएगी। नंबर दो, विशेष क्षतिपूर्ति स्पेशल डैमेजेज, स्पेशल डैमेजेज कब दिलवाई जाएगी, कोर्ट विशेष क्षतिपूर्ति की मांग की है स्पेशल डैमेजेज की, ए और बी दोनों को पक्षकार की इस बात की जानकारी है कि कॉन्ट्रैक्ट यदि 15 जुलाई को पूरा नहीं किया गया तो बी को बहुत बड़ी हानि, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए को भी इस बात की जानकारी है, बी को भी इस बात की जानकारी है कि 15 जुलाई कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ तो जो है ए को बड़ा लॉस होगा, दोनों पक्षकारों को जानकारी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट दोबारा लेते हैं, ऐसे कोई टूटी होगी बीच में। दूसरा पॉइंट, विशेष क्षतिपूर्ति स्पेशल डैमेजेज, स्पेशल डैमेजेज तभी मिलेगी जब दोनों पक्षकारों को इस बात की जानकारी है कि समय पर अगर कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस नहीं की गई तो बड़ा लॉस होगा, तभी मिलेगी, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। और विच द पार्टीज नो दे मेड बी कॉन्ट्रैक्ट टू बी लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ इट, विशेष क्षतिपूर्ति की दोनों पक्षकारों को जानकारी होने पर कि कॉन्ट्रैक्ट समय पर पूरा नहीं किया गया तो जो है वो
उससे विशेष लॉस होगा, जानकारी होनी चाहिए, जानकारी नहीं है तो स्पेशल डैमेजेज नहीं मिलेगी। इस मामले में हेडले बना मैक्सेंडेन हॉर्न वर्सेज मिथलैंड सिमसन वर्सेज नॉर्थन रेलवे, एक हेडले वर्सेज मैक्सेंडेन की मैं चर्चा करता हूं कि इस बारे में एक पुर्जा था हेडले का कल कारखाना चक्की चलाने का कि ये पुर्जा जो है वो कोई इसको बैक्सनडेल को दिया कि भाई ये तो ठीक करा के लिया, रोजाना वो जाता था दूसरे आता था ठीक करा करके लोगों को काम करता था, दे दिया। जब देते समय हेडले ने ये नहीं कहा कि मेरे पास ये एक ही पुर्जा है, कल कारखाना बंद रहेगा जब तक तू मुझे ला करके नहीं देगा तो वो लेता ही नहीं, और उसने दे दिया। रब की बार वो दो दिन से नहीं आकर के 10 दिन से देरी से आया तो उसने वादायर किया और कहा कि स्पेशल लॉस स्पेशल डैमेजेज हुई है, मुझे विशेष क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। कोर्ट ने इनकार कर दिया क्योंकि कोर्ट ने कहा कि विशेष क्षतिपूर्ति तभी दिलाई जाती है जब कॉन्ट्रैक्ट करने वाली दोनों पार्टियों की इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को समय पर पूरा नहीं किया गया तो विशेष हानि होगी। इसलिए विच द पार्टी नाउ द मेड द कॉन्ट्रैक्ट टू बी लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ इट, तो ये ध्यान रखने की बात है। दोनों पक्षकारों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, बैक्सनडेल को इस बात की जानकारी नहीं थी, इसलिए इस केस को कोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी क्योंकि ज्यादातर सिद्धांत ये जो रिमोट नेट डैमेजेज है या स्पेशल डैमेजेज है या एक्चुअल लॉस है सारा हेडले बनाम बैक्सनडेल केस में प्रतिपादित किए गए सिद्धांत है, तो ध्यान रखने की बात है। ये हेडले बनाम बैक्सनडेल के फैक्ट्स किताब में से दे करके लिखने हैं ब्रीफ में। और हॉर्न वर्सेज मिडलैंड का केस है, सिमसन वर्सेज नॉर्दर्न रेलवे का केस है। अगला है चौथा दृष्टांत योग्य क्षतिपूर्ति एग्जाम्पलरी डैमेजेज, कोर्ट कभी कभार एग्जाम्पल के रूप में क्षतिपूर्ति दिलवा देती, उसको एग्जाम्पलरी डैमेजेज बोलते हैं। नाम मात्र क्षतिपूर्ति नॉमिनल डैमेजेज दिलवा देती है कोर्ट, कोर्ट में आ गए है ज्यादा लॉस भी नहीं हुआ है तो भी नॉमिनल कोर्ट दिलवा देती है, भारतीय कोर्ट दिलवा देती है। फिर है हानि या नुकसान कम करने का वादी का कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ प्लेंटिफ, क्या हानि को कम कर सकता था वादी, यदि हाँ तो नहीं मिलेगी क्षतिपूर्ति, उसे एक्चुअल लॉस नहीं मिलेगा। मान लीजिए बीकानेर का एक ए नाम के व्यक्ति ने जो है बी से रसगुल्ले खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया और बी समय पर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाया, चाहे उसके कुछ भी हो गया हो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। अब ए जो है बीकानेर में छोटू मोटू, मान लीजिए बी छोटू मोटू सप्लाई करने असमर्थ रहा तो बीकानेर में तो रसगुल्लों की खान है, अग्रवाल के ले लो, राम जी के ले लो, मतलब किसी के ही ले लो आप, बीकानेर रसगुल्लों की खान है। और ए क्या है पटा हुआ है, लो ये इसने कहा नहीं यहां से तुम जाओ नागौर और नागौर से रसगुल्ले लेकर जाओ, तो नागौर में एक तो रसगुल्ले महंगे मिले और एक किराया के मैं ले लूंगा मैं जानता हूं, तो वादी ने जानबूझ करके खर्च बढ़ाया, नहीं मिलेगा बीकानेर में अच्छी क्वालिटी है नागौर से, अन्य से ले सकते थे, राम जी से ले सकते थे, लाल जी से ले सकते थे, भीकाराम चांदमल से ले सकते थे, अग्रवाल से ले सकते थे, लेकिन आपने जो है नागौर जाकर के और 5 रुपए पर किलो के हिसाब से ज्यादा लिया और फिर जो है किराया और मांगा तो जो है नहीं मिलेगा, क्योंकि कोर्ट एक्चुअल लॉस ही दिलाएगी। वादी के पास में जो है प्लेंटिफ के पास में ऑप्शन था कि जो वाद खर्च है उसको कम कर सकता था, क्षतिपूर्ति कम कर सकता था, लेकिन उसने जान बूझ करके बढ़ाई है तो वो नहीं मिलेगी। सातवां है मानसिक दुख तथा कष्ट के लिए प्रतिकर, कई बार कोर्ट क्या करती है मानसिक संताप और कष्ट के लिए जो है दिलवा देती है प्रतिकर दिलवाती है। इसमें एक केस है आप इसके अंदर पढ़ना कि एक पति और पत्नी रेलवे में टिकट लेकर के जा रहे, तो मान लीजिए उदाहरण अपने यहीं का ले लेते, जाना तो था दिल्ली और रेलवे कर्मचारियों ने रेल आई और बिठा दिया कालका में क्या आप जाइए, आगे जाके सर्दी का टाइम था और आगे
जो है लोन कंडीशन से पहले वो उतरे कि भाई ये तो गलत दिशा में जा रही है, मेरे को उधर जाना था, जबरदस्ती बिठा दिया जाइए कि इस गाड़ी, ये आपकी गाड़ी आ गई है। तो वापस आए, पैदल आए, सर्दी लगी, पत्नी को बुखार आया, खर्च किया, तो मानसिक संताप और कष्ट के लिए जो है कोर्ट ने कंपनसेट किया उसको, प्रतिकर दिलवाया। उसके बाद रेलवे हमेशा ये कहता है कि फला रेल आने वाली है, फलाने ट्रैक पर आने वाली है, इतने बज गए, इतने बजे आने वाली है, कृपया यात्री ध्यान दे, टू 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 टू, कृपया यात्री ध्यान दे, इस प्रकार का अनाउंसमेंट शुरू हो गया। कोई गलत दिशा में, गलत रेलगाड़ी में नहीं बैठ जाए, इसके लिए रेलवे उत्तरदायी है, इसलिए रेलवे अनाउंसमेंट करता है। क्यों? कि नहीं तो रेलवे की लाइबिलिटी है, तो रेलवे बार बार अनाउंसमेंट करता है। आपने कभी रेलवे पर सफर किया होगा, मुझे वो टोन भी अच्छी लगती है, टू 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 टू, कृपया यात्रीगण ध्यान दे, ध्यान दे, रेल आने वाली है, इतनी देरी से आने वाली है, 7 नंबर प्लेट पर आने वाली है, 1 नंबर प्लेट पर आने वाली है, इस केस के बाद में हुआ। तो ये 7 प्रकार से जो है क्षतिपूर्ति मांग सकते हैं, सामान्य हानि, एक्चुअल लॉस, विशेष हानि, तीसरा अप्रत्यक्ष रिमोटनेस डैमेजेस नहीं मिलती, दृष्टांत योग्य क्षतिपूर्ति, नाम मात्र की क्षतिपूर्ति, हानि कम करने का वादी के पास ऑप्शन था क्या, और मानसिक दुख व कष्ट के लिए प्रतिकर। ये सेक्शन 73 में जहां निर्धारित नहीं है पहले से ही, तो कोर्ट अपने विवेक से दिलवाती है, लेकिन एक्चुअल लॉस दिलाती है भारतीय कोर्ट, एक्चुअल लॉस। स्पेशल डैमेजेस तभी मिलती है जब दोनों पक्षकारों को जानकारी हो। अप्रत्यक्ष और दूरस्थ हानि, इनडायरेक्ट और रिमोटनेस डैमेजेस नहीं मिलती, नहीं दिलवाती, परिणामों के परिणाम निकलते हैं। इसमें आपने लॉ ऑफ टोर्टम पढ़ा होगा, छुरछुरी वाला केस, तो हेडले का केस यहां आपको कोर्ट करना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कल हम अगले नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 74 पर पढ़ेंगे। 73 को आज ही कंप्लीट कर लो भाई, और लॉकडाउन के नियम की पालना करो। परीक्षा जून में या जुलाई में कभी भी हो सकती है, स्थिति ठीक होगी तो जून मिड में लगभग होगी, या फिर जुलाई में होगी, वो परिस्थितियां देखी जाएगी। आप तो तैयारी करो अच्छे मार्क्स लाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।